कहा गया है कि सांसद के तौर पर सदस्यता भी उनकी रद्द होनी चाहिए, पार्टी से निष्कासित भी उन्हें किया जाना चाहिए और 40 करोड़ की मानहानि का केस भी उन पर किया है इन लॉयर के जरिए। आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश के हिंदू मंदिरों पर जो हमले की खबरें हैं वो बड़ी परेशान करने वाली हैं। वहाँ उपद्रवियों ने हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मंदिर परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। अराजक तत्वों ने मंदिर में घुसकर ये तोड़फोड़ की है। देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं। हिंदू समाज को निशाना बनाया जा रहा है, जो माइनॉरिटी हैं उन्हें वहाँ निशाना बनाया जा रहा है। ये जो तस्वीर है, ऐसी ही कई तस्वीरें हैं जो रह रहकर सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में हिंसा थम नहीं रही। बांग्लादेश में जो उपद्रव की स्थिति है वो बढ़ रही है। असामाजिक तत्व लगातार माहौल खराब करने की कोशिश में है। अराजक तत्वों ने वहाँ मंदिरों में तोड़फोड़ की है और वहाँ हिंदू देवी देवताओं के जो प्रतिमाएं, जो फोटो लगे हुए थे उन्हें भी निशाना बनाया गया, उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। चूंकि अब बीती रात ही अंतरिम सरकार वहाँ बनी है, मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के PM के तौर पर शपथ ली है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि माहौल बहुत जल्द बेहतर होगा, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये सिर्फ बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए ही परेशानी भरी नहीं है, बल्कि यहाँ भारत में बैठे हुए जो लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं उनके लिए भी ये तकलीफदेह तस्वीरें हैं। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर न सिर्फ मोहम्मद यूनुस को इस जिम्मेदारी के लिए बधाई दी है, क्योंकि अंतरिम सरकार में PM के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है, बधाई तो दी ही है, फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कहा है कि आपके जिम्मेदारी संभालने के बाद जो माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं, जो हिंदू को निशाना बनाया जा रहा है, उसमें सुधार देखने को मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।